अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे QR कोड के बारे में। हम आज बात करेंगे QR कोड क्या होता है, QR कोड कैसे जनरेट किया जाता है आपके खुद के वेबसाइट की या फेसबुक पेज का या फेसबुक का या गूगल आपका जीमेल का। ऐसा हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं और बाद में हम कहाँ पे भी हमारे जो भी किचन रहता है या विजिटिंग कार्ड रहता है हम उसके ऊपर उसे लगा सकते हैं या आप कहाँ पे दुकान में भी जाके आप उसे लगा सकते हैं। एक इमेज किसी को भेज सकते हैं QR कोड की सहायता से आप तक, उस लिंक की सहायता से आप सबके जो भी कलीग है या फ्रेंड है वो आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन रहता है कि आपके ग्राहकों तक पहुंचने के लिए आपको QR कोड की सहायता से बहुत सारे आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। QR कोड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक ऐसा QR कोड है कि जो आपको आपके QR कोड के अंदर कुछ ऐसा डाटा रहता है जो कि आपकी लिंक हो सकती है, फेसबुक की लिंक हो सकती है, फेसबुक पेज की लिंक हो सकती है या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हो सकती है, या हम QR कोड की सहायता से कुछ ऐसे इमेज भी भेज सकते हैं जो कि आपको लगता है कि कुछ सिक्योरिटी तौर पर हमें भेजना चाहिए। कुछ आप भेज रहे हैं उसे लग रहा है कि ये कोई कोड है, लेकिन आप जब स्कैन करेंगे तब आपको इसकी इमेज मिलेगी या PDF फाइल आप उसे उसकी सहायता से आप उसे भेज सकते हैं। यानी कि आप ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो भी आपके फायदेमंद हो सकते हैं QR कोड की सहायता से। क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कैसे उसे कैसे काम करता है QR कोड। तो चलिए हम उस सिंपल है, गूगल पर हम डालेंगे QR कोड। तो यहाँ पे गूगल का पेज मेरा ओपन है तो मैं यहाँ पे क्यू कोड डालूंगा और सर्च करूंगा। हम इमेज में जाएंगे, यहाँ पे इमेज में जाते हैं। ये देखिए इतने सारे QR कोड है, अलग अलग तरीके से QR कोड है। हम इसमें से कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है, आपको सभी को पता ही है QR कोड में कुछ ना कुछ तो ऐसा इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको लगता है कि इसमें कुछ है। तो हम उस पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, चलते हैं मेरे मोबाइल पे। और मोबाइल पे आने के बाद हम आपको सबसे पहले आपको एक QR कोड का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, यानी डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी आपके मोबाइल के साथी होगा वो आपको डालना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। QR कोड डालने के बाद एप्लीकेशन आता है, आपको जो पसंद आए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उसे कैसे क्रिएट करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। मेरा QR कोड का एप्लीकेशन है तो मैं उसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम जहाँ भी बॉक्स दिख रहा है हम वहां पे लेके आएंगे उसे। वो देखिए प्रिटेक किया, ये विकिपीडिया की साइड है। ये जो हमने कोड जो भी देखा है वो विकिपीडिया के साइड पे वो लेके जाएगा हमें जब हम उसे विजिट करेंगे। तो ऐसा कहो कि विकिपीडिया का ये कोड है। तो ऐसे हम कोड अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरी मदद से या सहायता से। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी साइट है उसकी वो टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ से ओपन ऑलरेडी ओपन करके रखे वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिंक है उसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको QRSTUEEF.com आप यहाँ पे ओपन करने का है। यहाँ पे यहाँ पे लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालूंगा और आप यहाँ से अलग अलग तरीके से आप उसे QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये पेज होगा, आने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आप उसे अकाउंट बना के उसे लॉग इन कर सकते हैं। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे इतने ऑप्शन है कि आप यहाँ से QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए आप अगला अगला आप टी शर्ट पे लगा सकते हैं, मग पे लगा सकते हैं, कैप पे लगा
है, कहाँ पे आप QR कोड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये देखिए वेबसाइट के URL की आप QR कोड बना सकते हैं, YouTube वीडियो की आप QR कोड बना सकते हैं, किसी MH फाइल की आप QR कोड बना सकते हैं, PDF फाइल की आप QR कोड बना सकते हैं। अगर आपका लोकेशन है, लोकेशन के जरिए आपको QR कोड का लोकेशन भी आप बना सकते हैं, ट्विटर का बना सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का भी आप यहाँ से बना सकते हैं, लिंक्डइन का यहाँ से बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का आप यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लिंक है जो भी आप यहाँ से QR कोड बना सकते हैं। तो सबसे आप यहाँ बिटकॉइन का बना सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है उसका भी बना सकते हैं, ऐसे सारे आप QR कोड बना सकते हैं। तो सिंपल क्या करने का, ये डाटा जो आपको यहाँ पे इतने सारे आपको डाटा के टाइप दिए वाले हैं, इनमें से आपको किसी का भी आप QR कोड बना सकते हैं, वो भी फ्री में बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसे फ्री में बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, मैं तो आपको मेरे एक वेबसाइट का बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी ब्लॉगर की साइट से मैंने माध्यम से बनाई है, तो मैं उसको साइट यहाँ पे मेरा URL पेस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ब्लॉगर है, यहाँ पे मैंने मेरा URL पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे वो QR कोड भी आ गया है। तो मैं यहाँ से आपको कलर भी इसमें से चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें से कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर आपको चूज करना पड़ेगा वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे QR कोड जनरेट हो चुका है हमारा, तो मैं यहाँ से उसे कलर में कुछ कलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि कलर आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से हरा कलर लेने की कोशिश करूंगा, ये देखिए हरा कलर से ये QR कोड जनरेट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आप बताने की कोशिश करूंगा, इसे आप डाउनलोड पहले तो डाउनलोड कीजिए यहाँ से QR कोड से, और ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है। अब ये मुझे फाइल डाउनलोड कुछ समय पहले ही हो चुकी होगी, ज़्यादा कुछ लंबी फाइल नहीं होगी, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो रही है, ये देखिए मेरा QR कोड ओपन हो चुका है। अब मैं हमारे जो ऐप स्कैनर है, जो QR कोड का जो हमने डाउनलोड किया था हमारे मोबाइल में, तो हम उसे लेके हम उसे स्कैन करेंगे। तो चलिए मैं स्कैन कर लेता हूं। ये देखिए मेरा, देखिए आपने देखा ना, ये मेरी साइड आ गई, मेरा ब्लॉगर की जो ब्लॉगर बनाया था, ब्लॉग बनाया था उसकी इसमें लिंक दी है। अब मैं इस पे क्लिक करके मैं इसे विजिट कर सकता हूं। ऐसा करके आप QR कोड बना सकते हैं, वो भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करके आप QR कोड बना सकते हैं, ये डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट निकाल के आप कहाँ भी उसे अपने विजिटिंग कार्ड में या अपने जो भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और अलग आप ऐसे कुछ भी काम कर सकते हैं जो भी आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा QR कोड की सहायता से। आप फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी आपके विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं, इसमें से आप किसी टी शर्ट पे लगा सकते हैं या आप किसी कैप पे लगा सकते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें से इसे थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, ऐसा करके आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अपने दिखाने की कोशिश करूंगा, इन्होंने ये दिया वाला है कुछ, आप मग पे लगा सकते हैं, आप कैप पे लगा सकते हैं, आदमी की टी शर्ट पे लगा सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे QR कोड आप यहाँ से जनरेट करके आप उसे लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो जरूर डिसलाइक कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ मुझे शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को। अगर कुछ बताने का है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए QR कोड का आपको कैसे आपको जनरेट करने का चाहिए। अगर मैं आपको फाइल के जो इमेज फाइल है उसके जरिए QR कोड कैसे बनाते हैं इमेज फाइल का, तो ये डाटा भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं पूरी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।